share together. इन दिनों रणबीर कपूर संजय दत्त के बायोपिक फिल्म संजू को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। संजय दत्त ने अपनी फिल्म में काफी कुछ अपनी जिंदगी का राज खोला, जैसे कि उनकी 350 गर्लफ्रेंड्स और नशे की लत। जी हाँ, एक दौर ऐसा था जब संजय दत्त की नशे की आदत से उनके पिता सुनील दत्त काफी तनाव में रहने लगे थे। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार छिपकर बाथरूम में सिगरेट पी थी, तब अचानक से उनके पिता सुनील दत्त आ गए। सिगरेट पीता देख वो बेहद नाराज हुए थे और जूतों से उनकी पिटाई लगा दी थी। संजय दत्त को नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि उनके हाथ से कई फिल्में भी निकल गई। जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो पहले संजय दत्त को ऑफर हुई थी, लेकिन संजय की ड्रग्स की लत की वजह से सुभाष घई को अपना फैसला बदलना पड़ा था। रॉकी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही संजय दत्त ड्रग्स लेने लगे थे। हालत ये थी कि वो एक दिन ड्रग्स लेकर सोए और भूख लगने पर उठे तो पास बैठा नौकर रोने लगा। संजय ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि आप 2 दिन बाद उठे हो। ऐसे कई संजय दत्त से जुड़े किस्से आपको इनकी अपकमिंग फिल्म में भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि राजकुमार हिरानी डायरेक्टेड फिल्म संजू 29 जुलाई को रिलीज होने वाली है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।